सफाई की जमीन बेच के नहीं रोड बनवाए थे तो वो भी राशन बांटे थे जो भी चीज थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ध्यान रखे आगे से। राजनीतिक पार्टियां, इसमें जनता ही मारी जाती है हर जगह भी। ये तो इंडिया में और यूपी में, कभी विदेश में जाएंगे तो नाक कटा देंगे। तो ये रोल मॉडल और जनता देखती है तो उनको बड़ा बुरा लगता है, हमने इनको चुन के भेजा है। हमारे तो कोई नहीं आता है ना, सरकार का पैसा आम जनता का पैसा है, अगर बनाया है तो नाम तो लेंगे ही। तो विधानसभा सत्र की कार्रवाई चल रही है, 26 मई को इस बार का यूपी का मेगा बजट पेश किया गया, लेकिन जिस तरह से विधानसभा सत्र में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और जिस तरह से नेता आपस में लड़ते भिड़ते नजर आए, इस पर जनता क्या सोच रही है कि क्या सदन की कार्रवाई में हमारे जो शीर्ष नेता है उनकी इस तरह की हरकतें को जनता कैसे देखती है, ये जानने का आज हम प्रयास करेंगे, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, लोगों से पूछेंगे। आपका क्या नाम है? दीपक नाम है। दीपक, आप अभी विधानसभा सत्र की कार्रवाई देख रहे हैं? हाँ, दो तीन दिन पहले देखा था हमने। अच्छा, जिस तरह से सत्र में नेताओं के बीच तूतू मैमे देखने मिली, एक अमर्यादित भाषा आप कह लीजिए वो प्रयोग किया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो चल रहा है ये जो चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आम पब्लिक भी देख रही है तो समझ रही है चीजों को, तो इससे कहीं ना कहीं दोनों ही लोगों का घाटा है, चाहे वो सपा का कह लीजिए या बीजेपी का कह लीजिए। तो तूतू मैमे नहीं होनी चाहिए, जो मर्यादित भाषा प्रयोग करेंगे तो और ऊंचाइयों तक जाएंगे, देश विकास करेगा, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे जो है हमारे जनता इन्हीं लोगों से परेशान रहेगी, इनकी भाषा इस तरीके की रहेगी तो काम नहीं कर पाएंगे ये। क्या लगता है कि इस पूरी विधानसभा की कार्रवाई में जिस तरह से डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच मतलब बाकायदा तूतू मैमे हुई, इसमें किसकी आप समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गलती है? देखिए, गलती अब ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि गलती किसकी है, लेकिन दोनों ही पक्ष जो है, जब मैंने देखा पूरी डिबेट मैंने उसमें देखी थी विधानसभा की, तो उसमें दोनों पक्ष को ही मैंने देखा, तो वो एक दूसरे के बारे में ही तो वो हो गया उनसे जो भी चीज़ थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ध्यान रखे आगे से। आपको क्या लगता है कि क्या विधानसभा के सत्र में कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी है इन लोगों को आपस में भी देखो, राजनीतिक पार्टियां, इसमें जनता ही मारी जाती है हर जगह भी। तूतू मैमे, ये तरह गलत बातों का प्रयोग करना विधानसभा सत्र में नहीं होना चाहिए। इस बार बहुत निंदनीय है, ये बहुत निंदनीय है। इस बार का मेगा बजट भी पेश किया गया है, 6 करोड़ 15 लाख का बजट है, सबसे बड़ा बजट भी इस बार आया है। क्या लग रहा है, जो बजट में जो चीजें शामिल की गई है ये पर्याप्त है, धरातल पे देखी जाएंगी बजट में चीजें? बिल्कुल, जनता तो देखेगी इस चीज को, जनता तो इस चीज को देखेगी तभी आगे निर्णय लेगी करना क्या है। देखते हैं कहाँ कहाँ पैसे को लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं। लेकिन जो बजट में पेश किया गया है वो आपको लग रहा है सही है? अब सही है कि गलत है, अब तो आगे देखने को मिलेगा ही, जो भी होगा तो मिलेगा देखने को। जो आप सोच कर बैठे थे, उम्मीदें लगा कर बैठे थे, वो उम्मीदें लगा कि बजट में पेश हुआ, क्योंकि मेगा बजट। उम्मीद पर तो कोई भी सरकार खरा नहीं उतरती है, कोई भी नहीं उतरती है, तो सब लाग लेके आते हैं, लेकिन कुछ दिखना तो चाहिए, आगे दिखेगा तभी तो जनता। तो फिर वोट कैसे, किस आधार? अब वोट किस आधार पे जाता है वो तो जनता ही निश्चित करती है। अब वोट का तो अलग ही चीज हो गया ना, वो अपना प्रॉपर कैंडिडेट देखती है, कहाँ का लोकल का जो भी है, क्योंकि जनता अब अपना लोकल ही देखती है, क्योंकि अपना भला तो सबका भला। बजट में इतना खास कुछ आपको लगा? बजट बता तो रहे हैं, सारी सरकारें बजट लाती हैं, लेकिन कितना होता है, कितना चोरी होती है, सबको पता है। अच्छा, बजट को लेकर अभी इतना कुछ खास उम्मीदें लोगों के जो है वो पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर कुछ लोग भी, अंकल आपका क्या नाम है? पीके त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है जो विधानसभा सत्र की कार्रवाई चल रही है उसमें जिस तरह से नेताओं के बीच में तूतू मैमे हुई और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, क्या सदन की कार्रवाई में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कभी नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, और इन लोगों को, हमें लगता है इन लोगों की ट्रेनिंग करानी चाहिए, जैसे प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में ट्रेनिंग होती है ना, वैसे जो विधायक हैं, भले वो चीफ मिनिस्टर रैंक के हों या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, तो और विधायकों को, जो नए विधायक हैं पुराने, उन्हें समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स चलाना चाहिए। ये तो इंडिया में और यूपी में, कभी विदेश में जाएंगे तो नाक कटा देंगे अपने देश की और अपने पद की, है ना? आपको लगता है इनकी कोचिंग होनी चाहिए? बिल्कुल, मेंटरिंग होनी चाहिए, कोचिंग होनी चाहिए, और इनको कोर्स कराना चाहिए, और इन पे कुछ ऐसा भी कर देना चाहिए कि अगर वो, अगर जैसे रिलेशन मैनेजमेंट का कोर्स होता है, जो होमी मुल्ला की ट्रेनिंग वगैरह होती है, अगर वो नहीं कर पाते तो वो फिट नहीं है, और मतलब जब सर्वोपरि ही जो है गड़बड़ होगा तो जनता क्या करेगी, जनता और भी गड़बड़ करेगी।
ठीक कह रहे हैं आप। नहीं तो सर्वोपरि लोग हैं लेकिन चुन के जनता ही लेकर आती है और उसके बाद इस तरह के लेकिन उनको सोचना चाहिए। इस पोस्ट पे आप पहुंचे हैं उसकी गरिमा रखें आप। लेकिन इसमें आप सबसे ज्यादा दोषी किसे मान रहे हैं कि सपा की तरफ से आपको लग रहा है कि बीजेपी की जनता एक बात कह रहे हैं न सपा न अखिलेश दोषी है मतलब ठीक है हम भी इटावा गए इसका मतलब ये थोड़ा ही कि हम मर्यादा अपनी तोड़ देंगे। मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। हाँ तो मतलब उनकी पिताजी का एक बहुत बड़ा मान है तो वो अपने मतलब पुरखों से शिवपाल जी से सीखें कि मतलब इतना झगड़ा करने की कोशिश न करें। वही साधारण सी बात थी। ठीक है गुस्सा आ सकती है लेकिन अभी भी वो माफी मांग लें तो कम से कम बात सब जाएगी। अखिलेश जी माफी मांग बिल्कुल लेकिन सफाई पे जो उन्होंने बोला डिप्टी सीएम ने वो सही था। देखो अब पता नहीं मतलब कैसे मतलब हो सकता है सैफई पे गुस्सा आ गई हो मतलब या ऐसे कभी कह सकते थे कि उस जमाने में कुछ किया है तो कुछ है तो उन्हें भी थोड़ा मतलब ध्यान रखें। उनको भी ध्यान रखना चाहिए था। बजट से संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल। इस बार एग्रीकल्चर मशीनरी को बहुत अच्छा उन्होंने दिया है। जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है जो पूरे नहीं हो पाई है वो अब निश्चित रूप से 6.15 लाख करोड़ का जो बजट है निश्चित रूप से ये फार्मर्स प्रोडक्टिव सेंटर बजट है और हम लगता है कि जो यहाँ के अफसर हैं उन्हें भी मतलब कैसे कार्यान्वयन बिजनेस एक्सीलेंस की ट्रेनिंग उन्हें भी देनी चाहिए कि जिससे ये कागजों पे ना रह जाए। लेकिन किसानों के लिए इतना कुछ खास नहीं क्योंकि बिजली सिंचाई के लिए बोला था कि दाम कम कर देंगे वो बजट में नहीं आया किसान थोड़े नाराज हो गए। तो मतलब अब बजट को एक बार हम फिर आप देख लेंगे मैडम आप जब कभी ये दोबारा मिलेंगे तो बता देंगे। हाँ बिल्कुल लेकिन बजट में जो अपेक्षाएं थी जो अगर जो इसमें किसानों की चीजें छूटी हैं वो सरकार को पूरी करनी चाहिए। हाँ अच्छा जो आया है बजट जो चीजें उसमें मेंशन की गई क्या लगता है वो धरातल पर दिखाई देंगे? धरातल पर लाने वाले मतलब सरकारी अफसर हैं फिर वही बात आ गई जैसे विधायकों को हम ट्रेनिंग कह रहे हैं उनको तो ये बोलना चाहिए आइदर यू वर्क और गो कि अगर उन्हें यहाँ रहना है तो काम करना है और नहीं काम करना है तो मतलब इस देश में युवा टैलेंट बहुत है और उनको लाए उन्हें हटाए। वैसे भी चार चार जो नया लड़का आएगा वो उनसे 1/4 सैलरी लेगा और उससे अच्छा काम करेगा तो जो नहीं काम करना चाहते उन्हें दूर करें। तो आपको लग रहा है बीजेपी वैसे वर्क कर रही है जिस तरह से ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल मतलब एकदम आपको लग रहा है कि हाँ सही तरीके से काम कर रही है चीजें धरातल पर? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बीजेपी कैसा वर्क कर रही है इस वक्त प्रदेश में? अगर अच्छा वर्क कर रही है हमारे हिसाब से तो अच्छा वर्क कर रही है। अच्छा वर्क कर रही है। अच्छा वर्क कर रही है। आपको क्या लगता है? जी हम भी सपोर्टर उनके। अच्छा आप भी सपोर्टर हैं? आपको लगता है कि जो वादे किए गए थे बजट में वो पूरे किए जाएंगे? जी वादों का तो नहीं पता पर जो वर्क है वर्क सही है पूरी तरह से। वैसे नहीं कह सकते कि स्टूडेंट के उससे देखा जाए तो सही। स्टूडेंट के उससे आपको क्या लग रहा है कि आप स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी? जी मतलब कि कुछ ही स्कूल्स में है लेकिन अभी जो कुछ स्कूल्स हैं मतलब कि वहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म्स देखी जा रही हैं मतलब कि पढ़ाई पे एकदम कम ही ध्यान दिया जाता है। यूनिफॉर्म्स देखते हैं लड़कों के साथ बैठ मतलब कि एक टाइप का मतलब कि स्टीरियोटाइप बना रखा है एक स्कूल में मतलब कि उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके आपका क्या नाम है? ज्योति दुबे। जय प्रकाश दुबे। दुबे जी अच्छा ये बताइए विधानसभा सत्र की कार्रवाई चल रही है वो देखिए। जी 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 जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ तू तू मैं हुई तू तू करके बात हुई क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो कार्यवाही होती है जो माननीय सदस्य होते हैं विधानसभा के इनको जनता चुन के देती है और ये हमारे रोल मॉडल होते हैं। रोल मॉडल हर दिशा में होते हैं विकास करेंगे आगे बढ़ेंगे तो ये रोल मॉडल और जनता देखती है तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि हमने इनको चुन के भेजा है हमारे विकास की इनको बात करनी है और ये जाकर के वहाँ पे तू तू मैं कर रहे हैं व्यक्तिगत मुद्दों पे चर्चा करते हैं व्यक्तिगत विषय को लेकर लड़ते हैं ये ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है किसकी ज्यादातर आपको गलती लग रही है किस पूरी तू तू मैं में ये नहीं होना चाहिए? नहीं गलती जैसे माननीय अखिलेश यादव जो कि भी संयम रखना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और किसी के पिता जो इस समय दुनिया में नहीं है उनके नाम लेकर के इस तरह टिकट टिप्पणी करना मुझे लगता उचित नहीं है और नहीं करना चाहिए क्योंकि विकास की बात करिए अपने मुद्दों को आप रखिए ऐसा विषय नहीं आना चाहिए। अच्छा इस बार कई करोड़ों रुपए भी खर्च किए कि डिजिटल बनाएंगे सदन को डिजिटली कार्रवाई होगी वो डिजिटल भी कहीं नहीं दिखा फिर पत्री और पन्नों के साथ ही नेता दिखाई दिए। नहीं दिखेगा एक्चुअली समय तो लगता ही है। आप एक विषय करिए जब इंटरनेट की दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने जो इस समय काम कर रहे हैं बहुत आगे बढ़ गया है। आज हर चीज जो है वो ऑनलाइन हो गया है भ्रष्टाचार भी उससे कम होता है लोगों की व्यवस्था मिलती है लेकिन समझने में थोड़ा समय जरूर लगता है
तो ये जो व्यवस्था यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया है विधानसभा को डिजिटल करने का, कार्यवाही डिजिटल करने का, मुझे लगता है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा। कितना समय का आपको लगता है? मुझे लगता है पहली कार्यवाही है, अगली कार्यवाही में निश्चित रूप से चीजें ठीक आ जाएंगी। मेगा बजट इस बार बता रहे हैं, बजट में जो चीजें शामिल करी गई हैं वो आपको लग रहा है पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त है और अच्छा हो। किसानों का बिजली का जो है उसको कम नहीं किया गया, राशि कम नहीं की गई? नहीं, भुगतान करने की बात है मुझे जहाँ तक जानकारी है, और भुगतान निश्चित समय पे होगा, और माननीय योगी जी इस समय अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी टीम उनकी मुझे लग रहा है कि बधाई के पात्र हैं, और इसका एक परिणाम दिखना चाहिए जिस उद्देश्य के साथ जनता ने उनको भेजा है, और मुझे लगता है कि एक अच्छी लेंथ के साथ भेजा हुआ है, तो उस पर उनको खरा उतरना चाहिए। उस पर उनको खरा उतरना चाहिए। बाकी और लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं कि जिस तरह से विधानसभा सत्र की कार्रवाई चल रही है और उसमें जो तू-तू मैं-मैं हुई उसको लेकर जनता क्या सोचती है। आपका क्या नाम है भैया? नरेश नाम है। नरेश जी, अच्छा विधानसभा सत्र की कार्रवाई देख रहे हैं? अभी तो हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, सदन में अगर तू-तू मैं-मैं होती है नेताओं के बीच, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? तू-तू मैं-मैं हो रही है मैडम, देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ना, ये जैसा कि मैंने देखा वीडियो में भी देखा, उन्होंने कहा कि वो सफाई से बेच के आए हैं, बेच के तो कोई नहीं आता है ना, सरकार का पैसा आम जनता का पैसा है, अगर बनाया है तो नाम तो लेंगे ही, जिसके कार्यकारी में बना है वो तो अपना नाम तो लेगा ही। जैसे आप यही रोड देख लीजिए, अगर इस पर बनेगा तो इस पर वोट तो लगेगा कि किसके कार्यकाल में बनाया, कौन सभासद है, कौन मतलब यहाँ का मेयर है, वो तो लगेगा ना, तो उसका प्रतिक्रिया दे दी। इसके मैंने तो नहीं समझता ये कोई बहुत बड़ा इशू होना चाहिए। आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से प्रतिक्रिया, बिल्कुल सही का, बिल्कुल सही, उन्होंने इस तरह का अपशब्द बोला कि जैसे कि अब वो अपनी सफाई की जमीन बेच के लाए हों। जमीन बेच के तो कोई नेता लाता है, सबसे पहले तो उन नेताओं की वो देख ली जाए कि जब वो लोग विधायकी का इलेक्शन लड़ते हैं तब उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और विधायकी के बनने वाले होते हैं क्या वो अपने घर से लाते हैं, सारी प्रॉपर्टी तो आम जनता की होती है ना। मेरे ख्याल से जो अखिलेश जी ने जवाब दिया वेरी गुड, उनको ऐसा ही जवाब देना चाहिए। उन्होंने जो जवाब दिया वो बिल्कुल बिल्कुल सही दिया, मतलब उन्होंने इस तरह उन्होंने कहा ना कि उनकी जमीन बेच के लाए थे, क्यों मतलब उन्होंने ये कहा कि जमीन बेच के लाए, भाई जनता का पैसा है आपने लगाया तो नाम तो आएगा ही ना। अपने वादे भी नहीं पूरे किए, जो लाइट बिजली का बोले थे हाफ कर देंगे, हाफ तो हुई नहीं, लेकिन इतनी कट रही है कि रात में नींद नहीं आ रही है इस समय लाइटों घरों में। बिजली तो कह रहे कटौती कम करती है, एकदम कटौती नहीं, हमारे यहाँ तो निजामपुर में लॉ लगता है, आप आइए देखिए नाइट में 10 बजे से लेके 1-2 बजे तक लाइट ही नहीं रहती है। बजट में बिजली व्यवस्था को लेकर भी बहुत, जो अखिलेश जी ने जवाब दिया वो हमारे हिसाब से सही जवाब दिया, जैसा उनका था उसी पे उनको जवाब सही मिला। अच्छा, मेगा बजट पेश किया, सफाई की जमीन बेच के नहीं रोड बनवाए थे, तो वो भी राशन बांटे थे या गैस सिलेंडर बांटे थे, जो भी कुछ किए थे वो अपने पिताजी से अपने घर से पैसा ला के नहीं किए थे, वो भी पैसा हम लोगों ही जनता का ही था, जनता का पैसा ही होता है जो नेता इस्तेमाल करते हैं वो तो कार्यकाल में जिसका काम सरकार में जो काम होता है वो आदमी नाम उसी का लेगा। इन्होंने फ्री राशन बांटा ये नाम हुआ कि हाँ फ्री, संतुष्ट है बजट ठीक है, कार्रवाई आके पता चलेगा, अभी तो खाली कागजों में बता रहे हैं कि 15,000 करोड़ का है, जमीन पे आके जनता को सुविधाएं मिलेंगी, जनता उसका जवाब देगी, जनता उसका तो उसको देगा। बात यह ऐड होनी चाहिए जो गवर्नमेंट जो पैसे यूज कर रही है जनता के, जो तेल सरकारी लोगों को दिया जाता है, पुलिस विभाग सारे विभागों में जो तेल दिया जाता है, गाली दी जाती है, ये सुविधा सबसे पहले खत्म करनी चाहिए। इसका रीजन ये है क्योंकि इन पैसों की वजह से लोग उनके ड्राइवर तेल भी निकालते हैं, गाड़ी भी यूज करते हैं, फर्जी गाड़ियां भी चलती हैं, इसकी वजह से आम जनता के ऊपर तेल का इतना ज्यादा बर्डन पड़ता है। आज भी देखिए राज्य सरकार ने तेल के रेट नहीं घटाए, केंद्र सरकार ने घटाए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ तेल का दाम पे तो भारी इसलिए पड़ता है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी उधर से लगाई जाती है, वैट राज्यों से लगाया जाता है, तो केंद्र सरकार ने कम किया है, स्टेट को भी कम करना चाहिए। अच्छा, अभी फिलहाल जो बजट आया उसको कैसे देख रहे हैं? बजट जो आया है अभी तो मैंने देखा नहीं है फिलहाल मैडम जी, लेकिन क्या लग रहा है धरातल पर काम हो रहा है अभी फिलहाल? जी अभी तो काम बहुत बढ़िया ही होगी जी, बैठे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, वो जो बजट लाए हैं, डबल इंजन की सरकार है, जो बजट लाए हैं हम उनका स्वागत करते हैं, अच्छे से बजट करें, आम जनता को सुविधा पहुंचे, हमें तो यही चाहिए, हम तो एक आम नागरिक के नाते यही कह सकते हैं कि सब लोगों को जन सुविधा पहुंचे, लेकिन जब नहीं पहुंचती है तब दुख होता है कि जनता का पैसा किस तरह से बंदरबांट होकर चलता है, पूरी सत्ता में खाया जाता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सब लोग मिलकर खाते हैं, वो चीज सब सामने आएगी तब दुख होता है। लग रहा है उम्मीदें आप जता रहे भैया, हमने अब वोट दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुमत
की सरकार बनाई है तो उम्मीद तो रखेंगे सरकार से ही। अब सरकार जो बजट लाई है उसके लिए हम स्वागत करते हैं, लेकिन जनता तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। यानी कि अभी पेपर वर्क हुआ है, पेपर में तो ये घोषणाएं कर दी गई हैं, अब इस ये धरातल पर दिखता है कि नहीं ये लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं कीर्ति भंडूला, जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरामैन आकिब के साथ।